अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। पाकिस्तान में एहतजाज एक अजीब मजाक बन गया, चाहे वो वकला हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो JUIF हो। अभी अब कई मनाजिर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लगता है कि हर एक को एक लाइसेंस मिल गया है कि आप 100-200 आदमी इकट्ठा करें, सड़कें रोकें, कहीं बसें जलाएं, कहीं लोगों को ट्रक से उतारें, और जो भी आपके सियासी नज़रियात हैं उसमें कानून शिकनी करें, कानून अपने हाथ में लें। अंग्रेजी में कहते हैं विजिलेंटिज्म। हम कहाँ पहुँचेंगे? क्या एहतजाज का यही तरीका रह गया? जो सियासी जमातें जिनको कानून की शिकनी के बजाय कानून पसंदी पे लोगों को लाना चाहिए, बताना चाहिए, क्या वो एक मॉब रूल या बिल्कुल जिसको कहते हैं मजमों का रूल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह चलेगा? और अगर ये चलेगा तो क्या मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, उसकी तरफ? इस पे हम बात करेंगे। और बात हम शुरू करेंगे जो हमारा मेन है, खैबर पख्तूनख्वा में जो एक ड्रोन्स के अगेंस्ट जो नेटो की ट्रैफिक रोकी जा रही है। कोई इस मुल्क में ड्रोन्स के हक में नहीं है। हर कोई चाहता है इस मुल्क में अमेरिका भी बाफारिग हो, अमेरिका का कोई आदमी ना हो, कोई एजेंट ना हो, कोई ड्रोन ना हो। लेकिन क्या अगर अमेरिका कानून शिकनी कर रहा है तो उसका जवाब यह है कि हम खुद भी कानून शिकनी पर लग जाएं? और इसका नतीजा कहाँ पहुँचेगा? हम सोसाइटी, हमारा माशरा कहाँ पहुँचेगा? इस पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं जान अचकदेख साहब, हैं ये तर्जमान है मौलाना फजल रहमान के JUIF से। इनके साथ मौजूद हैं सेंटर जायद खान, रहनुमा ANP सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के भी के और हाउस कमेटी के भी ये चेयरमैन हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अली अमीन खान गंडापुर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सूबाई वजीर रेवन्यू हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और बाबर सत्तार साहब वेरी एमिनेंट लॉयर और कॉलमनिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है नासिर दुरानी साहब ने, जो IG पुलिस हैं खैबर पख्तूनख्वा से। दुरानी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये बताएं कि अभी तक हमने देखा कि 2-3 FIRs रजिस्टर हुई, जब एक ड्राइवर को, नेटो ट्रक के ड्राइवर को ज़बरदस्ती उसे की गई, कपड़े फाड़े गए, टेलीविजन्स पे चला, तब सुना उसके ऊपर कोई FIR कटी। फिर अभी कल परसों जब इन्होंने ताले तोड़े कंटेनर्स के, उस पर बात हुई। लेकिन इशू ये है कि पुलिस खामोश क्यों है जब हुकूमत नहीं, एक सियासी पार्टी के लोग एक कौमी शाहरा को ब्लॉक करके बैठे हुए? किस कानून के तहत जमात इस्लामी और PTI के कारकुन, किस कानून के तहत ट्रैफिक रोक के बैठे हुए हैं? और किस कानून के तहत वो गाड़ियों के कागजात चेक कर रहे हैं, कार्गो चेक कर रहे हैं, और फिर फैसला करेंगे कौन सा ट्रक जाएगा या नहीं जाएगा? ये रियासत के अंदर रियासत बनी हुई है। क्या आपको हदायत हैं फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि आप कुछ ना करें, या आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ना अहल हैं जो कुछ नहीं करना चाह रहे? क्या हो रहा है वहां पर? इसमें इशू ये है कि प्रोटेस्ट का तो एक जी फरमाइए। इशू ये है कि प्रोटेस्ट का तो दुनिया में हर जगह के ऊपर एक इख्तियार भी है, राइट भी है, पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, लोग भी करते हैं, और वो बिल्कुल आपने जिस तरह फरमाया कि वो एक दायरे के हदूद के अंदर रह के उसको करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर पूरे मुल्क का और सोसाइटी का ये बन चुका हुआ है कि जब तक वो स्टेट के सामने अपना डिमांड कुछ इस तरीके से पेश ना करें जिससे स्टेट जो है वो कॉग्निजेंस ले और उनकी बात सुने। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि KPK जो है वो फ्रंट लाइन प्रोविंस है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के ऊपर। उसके साथ बहुत सारी इस वक्त जो जिस मरहले से और जिस अजाब से ये सूबा गुजर रहा है, शायद वो हम किसी और जगह पे बैठ के इसका अंदाजा नहीं कर सकते। अब इसमें पोलिटिकल पार्टी का अपना एक स्टांस है जिसके ऊपर उसका ख्याल ये है कि ड्रोन अटैक्स जो है ये एक फर्दर एग्रीवेट कर रहे हैं। सर, उनका दुरानी साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनके स्टांसेस मुझे पता हैं। मैंने आपसे चीफ लॉ एनफोर्समेंट की हैसियत से पूछा है, उस पे आ रहा हूं। अब सवाल ये है कि जिस वक्त लोगों के जी फरमाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त लोगों के इमोशन जिस वक्त जब बड़े होते हैं तो उसको आपने सोसाइटी के अंदर या उस इलाके में आपने एक ऑर्डर रखना होता है। उस ऑर्डर के लिए एक आपको बैलेंस रिक्वायर्ड होता है। बैलेंस की रिक्वायरमेंट ये है कि कुछ आपके लोगों ने अपने फीलिंग्स वेंट आउट करने होते हैं। अब आपने देखना सिर्फ ये होता है कि जब आप लोग फीलिंग्स वेंट आउट कर रहे हैं उसकी वजह से अगर आपने उनको रोक दिया तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सिचुएशन और खराब हो जाए।
तो इसलिए उस ऑर्डर को रिस्टोर रखने के लिए और बरकरार रखने के लिए हमें कुछ थोड़ी बहुत जो है वो आपको ये देखा जिसके ऊपर खान कुछ कहना चाहिए सवाल बयान ले लूं मुझे टाइम का कंस्ट्रेंट है इसलिए आई एम इंटरजेक्टिंग मेरे दो सवाल बड़े सिंपल हैं क्या आप ये कह रहे हैं कि आपने एबडिकेट कर दिया रोल अपना जो रोल रियासत का है या जो महकमा पुलिस का रोल है कि ये आप छोड़ दें कि पॉलिटिकल जज्बात क्या हैं एक कौमी शाहरा को एक सियासी पार्टी या दो सियासी पार्टी जो इंसिडेंटली दोनों इक्तदार में भी हैं वहां पर तो ये समझा जा रहा है कि आप बिकॉज वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इक्तदार में हैं इसलिए पुलिस कुछ नहीं उनको कर रही और ये कोई मजमा नहीं है उन्होंने पिकेटिंग करके रोजाना कागजात चेक कर रहे हैं पुलिस का रोल ले लिया हुआ है क्या पुलिस अब बस देखते रहेंगे आप इसी बात पे कि शायद नाराज हो जाएं तो कानून वो तोड़ते रहें आईन की धज्जियां उड़ाते रहें देखिए इशू ये है कि अगर ये पॉलिटिकल रोल होता तो हम इनके खिलाफ पहले दिन ही पर्चे दर्ज ना करते ये पहली दफा हुआ है कि गवर्नमेंट अगर उसकी पॉलिटिकल पार्टीज पे स्टांस ले रही है तो गवर्नमेंट के ही पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो रही है और गवर्नमेंट के पॉलिटिकल वर्कर्स ही अरेस्ट हो रहे हैं वो आपने एफआईआर की हैं जहां पे लोगों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पर्चा कटवाया कि जिन्होंने मेरा ताला तोड़ा कंटेनर का इस बंदे ने मेरी कमीजें फाड़ी आपने इस बात पे कोई पर्चा नहीं काटा कि ये सियासी पार्टी के लोगों ने शाहरा ब्लॉक की हुई है ये सियासी पार्टियों के लोग किस कानून मुझे ये बता दे सिर्फ लीगल किस कानून के तहत वो गाड़ियों के कागजात और कार्गो के कागजात चेक कर रहे हैं अगर मैं कल आके 20 आदमी लेके मैं भी पेशावर में कागजात चेक करना शुरू कर दूंगा तो क्या मुझे भी आप इसी बेस पे छोड़ देंगे कि मेरे साथ 20 आदमी हैं हम नाराज होके वहां जुलूस निकाल देंगे ये आपका क्राइटेरियन है एज अ चीफ उसको देखें आप एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि वी हैव टू मेंटेन एन ऑर्डर और ये वर्ल्ड वाइड एक कॉन्सेप्ट है कि आप जब मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर करते हैं तो आपने बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना होता है अब उस बैलेंस करने के लिए हमने उनको यही कहा हुआ है कि वो बैठे जरूर हुए ट्रैफिक भी चल रही है अब अगर उनका किसी एहतजाज है कि वो धरना दे के किसी सड़क पे बैठ जाए वो कार्गो रोड के ट्रक्स चेक कर रहे हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो कागजात चेक कर रहे हैं हम वीडियोस दिखा रहे हैं जो कागजात वो चेक करके जाने दे रहे हैं और रोक रहे हैं पुलिस का रोल उन्होंने ले लिया है और आप फिर कब तक ये चलेगा चलें आप मुझे बता दें कब तक आप जज्बात देखते रहेंगे अगले 15 दिन 20 दिन 25 दिन ये तो पीछे है कि कारकुन का रोल अदा कर रहे हैं नहीं ये मेरा ख्याल है आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इनकी पॉलिटिकल डिबेट के अंदर मैं नहीं पढ़ना चाह रहा तो मेरा आप तो आए हैं आईजी साहब आपको आना नहीं चाहिए था जब आप आए हैं तो आपको जवाब देना होगा ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है ये बड़ा सीधा सवाल है आईजी खैबर पख्तूनख्वा नहीं है क्योंकि आपके खिलाफ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट आपके खिलाफ एफआईआर ठीक है मैं अभी खान साहब से बाद में बात करते हैं मैं आईजी साहब से पहले बात करूं नहीं दो सवाल हम वापस आएंगे हमारे सवालों का जवाब दे ये लोग अरेंज करा रहे हैं ये बागे नहीं इसकी जिम्मेदारी है क्योंकि पुलिस की निगरानी में सब कुछ हो रहा है गवर्नमेंट जो मर्जी ये बहुत होने वाला खतरा है आप भी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस करेंगे तो फिर वहां कानून कौन इन्फोर्स करेगा मालिक साहब इस वक्त जितनी जो वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट होती हैं वो प्रोटेस्ट के उनके क्या तरीके होते हैं सर हमने हमने अच्छा मुझे एक चीज बताइए मुझे आप बताइए लंदन में सर लंदन एक सेकंड जी जी सर जी बताइए ये कह रहा हूँ कि इस वक्त 144 डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगी हुई आपके इस वक्त तमाम लोग जो हैं वो जिस चीजों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं उनका प्रोटेस्ट करने का एक आपका एक अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली एक कल्चर डेवलप मुझे आई एम वेरी क्लियर अगर किसी ने बियॉन्ड दैट उसको अक्रॉस किया तो हम उसको बिल्कुल उसके खिलाफ दुरानी साहब एक आर्टिकल है एक आईन का आर्टिकल है 15 जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है आइन का आर्टिकल 15 है जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो कहता है हर इंसान को उसका इनएलिएबल राइट है कि पाकिस्तान में जहां चाहे अपनी मर्जी से सफर करे अपनी मर्जी से कारोबार करे वहां पे सड़क पे कारोबार करने से लोगों को रोका जा रहा है ट्रांसपोर्टर्स को रोका जा रहा है वहां पे उनकी मूवमेंट रोकी जा रही है आइन तोड़ा जा रहा है ये प्रोविंशियल लॉ नहीं तोड़ रहे अगर आइन तोड़ा जा रहा है और आप मुझे कह रहे हैं कि ये एक सेंटिमेंट्स की बात है क्वाइट फ्रेंकली आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट
मालिक साहब, मैंने आपको अपना एक बिल्कुल लीगल स्टांस क्लियर कर दिया, मैंने पॉलिसी भी, मैंने पॉलिटिकल पार्टी को भी क्लियर कर दिया था। अंडर वॉच, अगर वो पुलिस का लास्ट क्वेश्चन वॉच, अगर सब कुछ अंडर वॉच हो रहा है, ये धरने अरेंज करा रहे हैं, वो तो अंदर आप इख्तियार दे रहे हैं कि एक आम बंदा किसी के साथ। सवाल ये है कि आप बात कर रहे हैं, अगर वो और चोर तो ये चेक नहीं कर सके, आवाज कर रहा था कि जो पहली स्टेज के कानून तोड़ा जा रहा है उसका पर्चा आप क्यों नहीं काट रहे, शारा ब्लॉक करने का पर्चा क्यों नहीं आप काट रहे? चले आप उनको हटाएं भी ना, आपने शारा ब्लॉक करने का पर्चा काटा? शारा तो किसी जगह के ऊपर अगर हक है, तिजारत लोगों का हक है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? सारी ट्रैफिक रुक रही है, तो वीडियोस हैं हमारे पास, ज्यादा बेरोजगार रोक रहे हैं सब। अच्छा ये मुझे बता दें, आप कितना अरसा देखेंगे इसको, इस तरह ये किस तरह चलेगा, कितना अरसा? आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, इसको हम असेस करेंगे, अगर इसमें कोई चीज फर्दर कोई हुई किस लॉ के तहत आपके जो सिविल लोग हैं वो किसी के कागजात डॉक्यूमेंट चेक कर रहे या किसी के सेल तोड़ रहे, ये किस लॉ के तहत आप उसको मॉब किसी ट्रक ड्राइवर पे हमला कर दे और ये आप अजम्पशंस पे चलते हैं जिस तरह हुआ भी है पहले, और खुदा ना खासा किसी सिपाही वो ट्रक ड्राइवर को जान का खतरा हो, 8-10 लोग लोहे की सुलाखें लेके उसका ट्रक तोड़ रहे हैं, उसको चोटें लग रही हैं और वो बंदा आगे से गोली चला दे, कुछ कर दे, तो कोई मर जाए, तो क्या वो ट्रक ड्राइवर सेल्फ डिफेंस में उस पर केस बनेगा कि उस पर कत्ल का मुकदमा बनेगा? बिकॉज कानून तो उसकी हिफाजत नहीं कर रहा, रियासत उसकी हिफाजत नहीं कर रही, पुलिस साइड पर खड़ी होगी या सेंटिमेंट्स पे, तो वो ट्रक ड्राइवर या कोई आदमी अपना बचाव अगर करेगा तो वो सेल्फ डिफेंस होगा कि एग्रेशन होगी? अगर मैंने मालिक साहब आपको बड़ा क्लियर वर्ड्स में कह रहे हैं कि जहां पर कानून की अगर किसी ने इस तरह की लिमिट्स को क्रॉस किया तो पुलिस विल बी देयर इररिस्पेक्टिव के हु इज हु, सर एक विल इंशाल्लाह टेक एक्शन। सर एक सवाल, यू आर वेरी फाइन ऑफिसर, आई डोंट वांट टू लाइक रिफ्लेक्ट ऑन यू, लेकिन एक बड़ी बात है, क्या ये कानून की हदें, कौन से कानून की हद क्रॉस हो रही? कानून या होता है या नहीं होता, कानूनन कोई प्राइवेट सिटीजन किसी दूसरे को रोक के कागजात नहीं चेक कर सकते, फोर्सिबली नहीं रोक सकते, ट्रैफिक वापस नहीं मोड़ सकते, कानून तो टूट रहा है, हदें तो क्रॉस, विजिलेंटिज्म आ गया है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इसमें इशू ये है कि हमें कोई डिसाइड करना होता है कि एक रीजनेबल लेवल तक आपको टॉलरेट करना होता है, एक रीजनेबल लेवल, तो चले तो ये प्योरली फिर आपकी डिसीजन है, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं, कल को इफ एनीथिंग हैपेंस आईजी पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, आपने ये खुली छुट्टी दी है। जिस वक्त भी अगर उनमें से किसी बंदे ने आम हुआ या उसने कोई फायर आर्म इस्तेमाल किया या कुछ और उसने फोर्स इस्तेमाल की, तो इररिस्पेक्टिव हु इज हु, वी विल डबल जुलूस को आप क्यों स्टॉप नहीं कर रहे हैं? यार मैंने तो पूछा, मुझे इसका के या लॉ के तहत या डॉक्यूमेंट्स किस लॉ के तहत चेक कर रहे, उसके सेल किस लॉ के तहत तोड़ रहे, उसके सामान चेक करने किस लाके बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच। देखिए आई रिस्पेक्ट हिम, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है, मैं अभी बाबा सरदार से पूछूंगा, अभी खान साहब जो बात की है सिर्फ हम इतना बता दें किस कानून के तहत आप कानून तोड़ रहे हैं, क्या आप इस्लामाबाद में कर सकते हैं, लंदन में आप कर सकते हैं? ये इशू अमेरिका का नहीं है, ड्रोन्स का नहीं है, हम सारे उसमें इसलिए इस बात को बहस में उधर नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप दो पार्टीज की अपने पार्टी वर्कर कह रही है तुम सड़क पे ताकत की बेसिस पे कानून तोड़ो, आप सिखा रहे हैं कानून शिकनी, आप उसे ये बता दें किस कानून के तहत आपकी पार्टी और जमात इस्लामी के लोग वो कर रहे हैं जो सड़कों पे हो रहा है? 11 साल से हमारी असम्बलियां बार बार करारदादे मंजूर कर रही हैं कि ड्रोन अटैक बंद किया जाए, पहले ये सब जो वकील बन गई हैं सारी पार्टियां अमेरिका और कारोबार भी, ये जवाब दें कि आखिर किस कानून के तहत अमेरिका हमारी हदूद के अंदर ड्रोन अटैक कर रहा है, उसकी वजह से हमारे पख्तूनख्वा के लोग मर रहे हैं और वो लाखों में मर चुके हैं अब तक, तो अगर ये कानून अगर इस मुल्क में लागू होता तो आप ये सवाल करते हैं? नहीं नहीं मैं बिल्कुल करारदाद में ये तो नहीं आया कि आप लोगों को घर बैठाए बेरोजगार करें, आप हुकूमत के तौर पे रोक देना, आप हुकूमत के तौर पे मना कर दे, कोई फटा नहीं है, आप प्राइवेट सिटीजंस की आपने मिलेशिया क्यों खड़ी कर रहे हैं? अभी भी पुलिस प्रोटेक्शन है उनको, धरने पुलिस करा रही है, ये निचले लेवल के तालिबान आ गए ना, स्ट्रेंजर ने नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे जी, स्टेप बाय स्टेप, अगर जरूरत पड़ेगी और अमेरिका बाज नहीं आएगा तो इंशाल्लाह हमारा वादा है कि उसके बाद इसने कहा कि जो अमेरिका को, हम अमेरिका को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे,
और हम ड्रोन की जितना भी शायद तू खिलाफ है उससे ज़्यादा हम भी है। मुझे ये बता दे कि आपके वर्कर पंजाब में क्यों नहीं निकल रहे, पंजाब में क्यों नहीं, ये जो हरकत तो हमारे सूबे में हो रही है इस आईजी के प्रोटेक्शन के अंदर, ये पंजाब में आप करें ना फिर आप देखें क्या होता है आपके साथ, ये सिंध में करें ना फिर आप देखें आपके साथ आपके वर्कर के साथ क्या होता है, आप खैबर बलूचिस्तान में करें ना, अब तो ज्यादा बलूचिस्तान में जाए। मैं ये बात करना चाहता, देखिए समंदर खैबर पख्तूनख्वा के साथ उसके वो नहीं है कि यहाँ पे पोर्ट है और पोर्ट से चीज ट्रक पे लाद और फिर अफगानिस्तान चले जाते हैं। मेरे भाई जिस तरह आपके लिए दुख है उतना दुख मुझे भी है, मैं भी उस सूबे से ताल्लुक रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि उसने तो हमें बर्बाद किया, अमेरिकन है, आप खुद अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये तो हम ऊपर से अपने आप को और बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मजदूर पारिक, हमारे कंटेनर ट्रक वाला पारिक, हमारे उसके लादने वाले और ले जाने वाले जो मजदूर है, जो हमारे पास एक लाख लोग, 5,000 कंटेनर, 35,000 जो कंटेनर हैं, एक साथ है, 1,00,000 का ट्रक है, कौन सा नेटो का ट्रक है, कौन सा ट्रक आपका है, कौन सा मेरा, ये फैसला आम वर्कर मैं यही सवाल मेरा भी है कि अगर आप इस्लामाबाद में एक पार्टी के वर्कर्स चाहे पीएमएलनून के हैं वो आ जाएं कल स्ट्रीट पे और वो नाकों पे खड़े हो जाएं और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते रहें कि आप कौन है, कहां से आ रहे हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या लीगल है, कुछ भी नहीं। दूसरी बात ये कि ये सब लंदन और यूके और अमेरिका देख के आ रहे हैं, इनकी पूरी लीडरशिप वहां पे, उनके बच्चे भी हैं, उनकी नेशनलिटीज भी है, वहां की इन्वेस्टमेंट भी है, डॉलर्स ले आते हैं, पाउंड लाते हैं, इन्हें मालूम है कि आप लंदन की गलियों में आप मुझे 10 मिनट तो एक शारा ब्लॉक करके दिखाएं आप, फिर आपके साथ क्या होता है वहां पे, क्योंकि यहां पे आपकी हुकूमत है, बदमाशी भी आप कर रहे हैं, आपकी पुलिस है वो भी उनकी निगरानी में सब कुछ हो रहे हैं, धरने के लिए आता कि पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है, और इसके साथ जो लोग हैं उनको आपने डंडे दिए हुए, अपने बच्चे तो आपके अमेरिका और कनाडा और लंदन में, यहां पे आपने बेरोजगार पश्तूनों को लगाया हुआ इस काम पे, और ये तो आप रोजगार नहीं दे सकते लोगों को, ब्रेक पे भी जाना, जो रोजगार है वही आपने खत्म कर दिया, 1,00,000 लोग बेरोजगार हैं आज पश्तूनख्वा में इनकी पॉलिसी की वजह से, यह अमेरिका के खिलाफ है, यह अमेरिका के खिलाफ एहतजाज है, अपने लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया, अपने लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया है, और तो कुछ आप नहीं कर सकते, 1,00,000 लोगों को आपने तकरीबन 40,000 ट्रक जो है आज खड़े हैं वहां, अभी अभी एक कमर्शियल ब्रेक है ना, ब्रेक के बाद अमेरिकनिज्म पॉलिसी है, हम पख्तूनों के वकील बने हैं, हम उस मुल्क के नहीं, हम ये कहते हैं कि पख्तूनों के लिए अमेरिका के वकील, आप बंद करें बेसी पेशावर में, चलिए आप अमेरिका के खिलाफ है, बंद करें अभी, डॉलर्स बंद करें, आप निकल रहे हैं, वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, कब आएंगे, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा आप वजीर हैं, आप मुझे पहले एक बार का जवाब दें, फिर मैं बाबर के पास जाना है, मैं लीगल ले लूं, क्या आपके ख्याल में ये कानून शिकनी नहीं हो रही खैबर पख्तूनख्वा में, कि अगर अमेरिका कानून शिकनी कर रहा है तो हम भी अमेरिका की तरह बदमाश बन जाए, अमेरिका तो बदमाश है, अमेरिका कानून शिकनी कर रहा है, तालिबान अमेरिका का कोई भी सामान, अमेरिका का कोई भी सामान जो जाएगा उसको रोकना मेरे ख्याल में कानून शिकनी नहीं है, तो रोके ना, चले मैं अभी मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आके मैं 2-3 सवाल छोड़ जा रहा हूँ, एक तो सवाल ये है कि क्या जो आपने आईजी साहब की बातें सुनी बाबर सत्तार से पूछेंगे, क्या इसमें कानून की कोई भी गुंजाइश है इसमें, और ये हम किस रविश की तरफ जा रहे हैं, और किस कानून के तहत कि जहाँ पे कानून शिकनी हो रही है, आईन शिकनी हो रही है, और हम हर चीज़ अमेरिका के ऊपर डाल रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम, आप देख रहे होंगे बड़ी ब्रेक में भी गर्मा गर्म बहस हो रही थी, अभी बहस यह चल रही थी कि आजम खान स्वाती साहब को जो है सूबाई सदर बना दिया है, पीटीआई के लेकिन और असद के असर हटा दिए गए, लेकिन वो अलहदा सब्जेक्ट है। बाबा सत्तार, आपने बात सुनी आईजी साहब की, बड़ा डिस्टिंग्विश करियर है उनका एज ए पुलिस ऑफिसर, आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन वो जो उन्होंने बातें की मुझे तो समझ नहीं आई कि ये किस कानून की बात हो रही थी, क्या उनकी लॉजिक थी, लॉजिक जो मुझे समझ आई कि अगर मैं 200 बंदे लेके चला जाऊँ और जो मेरा है झंडा लगाऊँ किसी पार्टी का, रोक लूँ बस ठीक है, फिर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के मेरी नाराजगी के डर से जो मर्जी कानून तोड़ता रहा, कुछ लॉजिक थी उनकी बात में? मालिक साहब लॉजिक तो नहीं थी मेरा, मैं भी आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट क्योंकि बड़े डिस्टिंग्विश्ड इनका करियर है। देखिए सारी दुनिया में जब एहतजाज होता है तो उसमें आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाके पहले बातचीत करते हैं, टाइम प्लेस और मैनर रेगुलेशन हमेशा होती है, हर मुल्क में होती है, जब भी आप एहतजाज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बताती है कि आप एहतजाज करेंगे, आप यहाँ पे जाके करेंगे, इस टाइम पे करेंगे, इस तरह से करेंगे, और उसके बाद आप अपना काम करेंगे। ये तो एक बात हो गई। देखिए इसमें 3 लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। पहली बात तो ये कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिविजुअल्स के हैं, सिटीजन्स के हैं, तो अगर मैं अपना ट्रक लेके जा रहा हूँ तो ये मेरा राइट है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की 2-3 प्रोविजंस का हवाला दिया
कि मैं लिबर्टी का भी राइट है, आर्टिकल 9 प्रोटेक्ट करता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का भी राइट है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड का भी राइट है और इक्वालिटी का भी राइट है। ये नहीं कि कराची में अगर कोई ट्रेडर ट्रेड कर रहा है तो वो करता रहे लेकिन केपी में आप जाके नहीं कर सकते। तो ये आपने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दी, डिस्क्रिमिनेशन कर दी। सो पहली बात तो ये, स्टेट का क्या काम है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस राइट को प्रोटेक्ट करना। सो केपी में केपी गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, इधर फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करें। और ये विजिलांटिज्म जो है कि आप खुद अपनी मदद आपके तहत आप पुलिस चला रहे हैं, रियासत चला रहे हैं, ये कोई और सिटीजन ये काम ना कर सके। अगर जरूरत कभी पड़े तो खाली वो स्टेट वो काम करे। सो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तीसरा इसमें लीगल इशू है हमारी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आपके जो यूएन के रेजोल्यूशन हैं, जो बाकी चीजें हैं, उन पे भी एक कानूनी, एक तो जज्बाती एक आपकी अप्रोच हो सकती है कि अमेरिका ने हमें मार दिया तो हम अपनी दुम को आग लगा लेंगे। तो ठीक है, आप लगा लीजिए, लेकिन पाकिस्तान की एज रियासत, जो आलमी निजाम है रियासतों का, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि यूएन के रेजोल्यूशंस क्या हैं, पाकिस्तान की एज ए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करते तो आलमी बरादरी या सिक्योरिटी काउंसिल कल आपके साथ क्या क्या कर सकती है। ये तो खाली जो उन्होंने वो लॉजिक दी कि जी एक हद से हम आगे क्रॉस करेंगे तो फिर हम देखेंगे हम अमनो आमना की, वो तो मुझे एक समझ तो आती, एक दिन जुलूस हो, बड़ा मूड बना हुआ, चले आप कुछ संभलते हैं। ये तो रोज 100, 150, 200 लोग हैं जो रोक लेते हैं। आज इमरान खान साहब गए, उन्होंने आज फिर तकरीर की है कि धरना जारी रहेगा। मालिक साहब, आपको याद होगा इस्लामाबाद में, ये बिल्कुल हमारे साथ लाल मस्जिद है, वहां पे इसी तरह ये बात शुरू हुई थी और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई। शुरू में उन्होंने यही कहा कि हम सीढ़ियाँ नहीं बेचने देंगे, उसके बाद नाइयों को भगा दिया, उसके बाद निकल के डंडों के साथ उन्होंने गश्त शुरू की, लोगों को रोकना शुरू किया। और आखिर में एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि जिसमें आपको एक ऐसा लॉ एनफोर्समेंट का मेजर करना पड़ा जिसके अब तक बहुत भयानक। गणापुर साहब ये बताएं, इस तरह ही हुआ, एहतजाज शुरू हुआ, पहले दिन बड़ा नॉर्मल ट्रैफिक चेक हुई, चले, फिर एक ड्राइवर के कपड़े फटे, उसने पर्चा काटा, फिर लोहे की बार निकालनी, ताले टूटना शुरू हो गए। अब अगला स्टेप खुदा ना खास्ता इससे बढ़ ही सकता है, पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अगर बिल्कुल आपके अमेरिका के ड्रोन पे हम सारे आपके साथ हैं, फिर बतौर हुकूमत क्यों नहीं आप करते? आप ये पार्टी विजिलेंटिज्म बंद करें, खैबर पख्तूनख्वा एज अ गवर्नमेंट रोके, किसी को एतराज़ नहीं है, फिर जो उसकी लीगल कॉम्प्लिकेशन है सेंटर से आप डील करें। हुकूमत के तौर पर आप जिम्मेदारी फिर क्यों नहीं उठाते? या तो कानून अपने हाथ में लें बजाय इसके कि आप पार्टी वर्करों को आपने बना दिया सड़कों पर। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, अजीत साहब ने बड़ा क्लियरली आपको ब्रीफ कर दिया उसके बाद। हमें बिल्कुल क्लियरली किया, उन्होंने सिर्फ हाथ उठाए। अच्छा, मैं कर देता हूं जी। उसमें यह है कि पुलिस मौजूद है वहां पर और किसी भी इस तरह के वाक्य से निपटने के लिए वो तैयार बैठी है और कोई प्रेशर नहीं है पुलिस के ऊपर। यानी कि मैं किसी को जूते मारता रहूं लेकिन जब पिस्तौल निकालूंगा तब पुलिस पकड़ेगी मुझे? जहां तक बात है, समझते हैं कि वो गलत कर रहे हैं धरना, इसलिए वो ज्वाइन नहीं करना चाहते। और जहां तक बात है हुकूमत की, इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में जब जलसा किया था, पहले पहले धरने का स्टार्ट हुआ है, उन्होंने कहा था कि पख्तूनख्वा हुकूमत से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि वो इसके अंदर साथ दें और इसको बंद करें। तो जब नौबत आएगी तो इंशाल्लाह तब तक कानून हमने कोई कानून नहीं तोड़ा अब तक। एक दो वाक्यात हुए, पुलिस ने पर्चे काटे, हमने प्रेशर नहीं, ये कानून नहीं तोड़ा जो सड़कों पर रोक के आप अपनी मर्जी से ट्रैफिक, बिल्कुल ट्रैफिक जाम नहीं है, ट्रैफिक चल रही है। जो लोगों को आप रोक रहे हैं, जिनका हक है, जो आईनी हक है उनका कारोबार करने का, अब कारोबार के हमारे भाइयों के खून पे कारोबार करेंगे और कारोबार खान आप भाइयों के खून पे कारोबार कर रहे हैं। मैं एक मालिक साहब, मैं उन्हें बिलाल साहब ने एक मिसाल लाल मस्जिद कहते हैं, मैं आपको मलाकन डिवीजन का मिसाल दे रहा हूँ। सुफियान अहमद साहब का, सुफियान अहमद साहब भी इसी तरह डंडों के साथ निकला था, उसके लोग आए थे रोड्स पे और रोड्स पे गाड़ियों को कहता कि आप लेफ्ट के बजाय राइट पे चलेंगे, चलते गए, एक्सीडेंट भी होते, लोगों के बोर के उतार के बोर के पहना दिए, सब कुछ हुआ। रिजल्ट क्या निकला? आपका मलाकन डिवीजन कब्जा करने लगा था कि नहीं लगा था? जब लाइन कानून टूटा शुरू, फिर तो टूटेगा और बढ़ेगा। अच्छा, अभी मुझे ये बता दे, मेरा भाई कहते हैं कि जी इमरान खान साहब आया, अब मुझे बता दे ये 6 जो लीडर आ गए पंजाब से और उसने वहाँ पर रैली निकाल कर तकरीर किए,
वो छह में से छह लीडर एक पुख्तून मुझे बता रहे कि जिसके उस सूबे से उसकी मुफादात की वाबस्तगी हो। ऐसे शख्स को बनाया है सूबाई सदर, कहते हैं हम करप्शन पे यकीन नहीं रखते, इन्होंने हमारे लोटे को आज सूबाई सदर बनाया जो करप्शन पे हमने उसको दरवाजा खोला था निकाल दिया। करप्शन के लिए ये हुकूमत है, इनकी पीटीआई में करप्शन करप्ट लोग आ गए हैं, अब एक और जो है वो बन गई है एक, लिहाजा अगर पिछली हुकूमत पे तंकीद करते हैं ये हुकूमत तो करप्शन के लिए आप मशहूर हो जाने चाहिए। मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दे, मेहरबानी होगी, मैं तो इंटरप्ट माजी की बात है, तो इलेक्शन आ रहा है, ताली ना दे आप माजी पे, डॉलर अगर इकतदार इन्हें पसंद ना होता तो आज ज्वाइन कर लेते। मैं यही पूछना चाहता हूं मेरे भाई से कि आप ड्रोन को बंद कर उसको प्रेशर डाल रहे हो कि ड्रोन बंद कर दे, नहीं कर रहे, हमने भी आठ महीने तो बंद किया था ना, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन चलो ये आपके राइट है, तो ये राइट आपका सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में भी है कि ये पंजाब में भी है? क्या ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से ये निकल के जा रही है कि ये पंजाब से भी गुजर के जा रही है, ये सिंध से भी गुजर के जा रही है? आपकी सुनामी तो लाहौर में आई थी, तो उधर क्या कर रहे हैं? तो ये खान साहब जब उधर पेशावर आज जाके तकरीर किया तो लाहौर में तकरीर करते कि भाई निकलो रोडों पे और शेख रशीद को खड़े कर, और एक सेकंड मैं पूरा करूं, शेख रशीद साहब को भी साथ खड़ा कर देते हैं, लियाकत बलोच को भी साथ खड़ा कर देते हैं, फिर शाह महमूद कुरैशी को भी करते हैं, वो तरीन को भी खड़ा करते थे, वो अपने मखदूम जावेद हाशमी को भी खड़ा करते थे, वो मुल्तान से बयान देते तो जाके उधर मुल्तान में रोड ब्लॉक करें ना, क्यों नहीं करते? इसलिए कि वहां पुलिस से डरते कि एफआईआर दर्ज होगा, इसके वर्कर उधर बाहर जाते नहीं है। इधर ये जो आईजी आया था ना, इस आईजी के खिलाफ तो टिज्म का केस भी बन सकता है, मैं लायक तो नहीं हूं वो उस पर बात कर सकता है कि वो प्रोटेक्ट कर रहे इस इलीगल एक्शन, बाबर सत्तार ये इलीगल क्राइम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो, क्या ये आईन की खिलाफ वर्जी है जो हो रहा है वहां पे? बिल्कुल, इसमें तो क्या जो आईजी हैं और क्या प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं, खटक साहब हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्या इन पे ये बात आती है कि ये आईन की पामाली में शरीक हैं? मालिक साहब, जिस तरह हमने पहले भी बात की है, जाहिर है ये सब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब एक पुलिस वाले को जब आप वर्दी देते हैं तो वो स्टेट के नाम पर बात करता है, आपकी गाड़ी को रोकता है तो आप गाड़ी रोक लेते हैं, कोई आम बंदा गाड़ी रोके तो आप नहीं रोकते हैं। सो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और यही अलमिया है जो तालिबानाइजेशन हो रही है अक्रॉस पाकिस्तान, उसमें यही तो प्रॉब्लम है हमारी कि आपने प्राइवेट मिलिशियाज बना दी, और आपने ये कहा तालिबान, अगर मैं इनकी बात मान लूं कि अमेरिका चूंकि ड्रोन कर रहा है तो आप सब कुछ करें, तो आप एक आप तो वही वाली दलील दे रहे हैं ना जिसमें वो लोगों की अपने लोगों की गर्दनें उतार रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब अमरीका जुल्म कर रहा है इस वजह से हम अपने लोगों की गर्दनें उतार रहे हैं। ये मुझे बताएं, अमरीका जो भी कर रहा है किस कानून के तहत आपको हक है कि आप मेरे कारोबार को रोकें, आप मेरी मूवमेंट को रोकें, मेरे किस मुझे ये बता दें, अगर कल को मुझे कोई गिला हो पीटीआई से, जमात इस्लामी से और आपकी हुकूमत से, तो उसका मतलब है मैं 200 आदमी लेके कल को हर आपकी गाड़ी रोक के आपके कागजात चेक करने का आप मुझे हक देंगे? हमने आवाम से वोट लिया था अमन के ऊपर, जब तक ये ड्रोन अटैक हो रहे हैं हम आपको ही पता है, हमें ही पता है, कानून अपने हाथ में लेगा, वोट तो नहीं लिया। अब हमने जो मैंडेट लिया है हम लोग उसको पूरा करने के लिए मैंडेट क्या कर रहे हैं कि आप अमन लाएंगे, आपके वर्कर जो से हैं वो पुलिस पे बन जाएंगे? नहीं जी, लोगों को बेरोजगार कोई बात नहीं है, पुलिस वहां खड़ी होके उनको तमाशा देख रही है, तमाशा नहीं देख रही, लॉ एंड ऑर्डर को चेक कर रही है। जायद खान की बात ठीक है, वो कहते हैं जिन सूबों में आपकी पुलिस नहीं है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वहां पे फिर आपने ये क्यों नहीं रोके, वहां पे नहीं कर रहे? स्टेप बाई स्टेप आप चेक नहीं कर सके, सारे वकील बन रहे हैं, बाकी पार्टियां साथ नहीं दे रही, तो बाकी सुबह में शुरू हो जाए। मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना, लेकिन एक चीज हम बड़ा वाजे कर दें, मेरा ख्याल है मैं भी और बाकी लोग भी, हम भी अमरीका पे इस बात में बिल्कुल लानत भेजते हैं जो ड्रोन यहाँ पे मार रहा है, किसी को अमरीका से हमदर्दी नहीं है। मेरा सवाल बड़ा सादा है, क्या हम अपने माशरे के अंदर कानून शिकनी सियासी बुनियाद पे जस्टिफाई करेंगे, और फिर अगर एक कानून टूटेगा फिर दूसरा भी टूटेगा, तीसरा भी टूटेगा, और क्या सियासी पार्टियों को हम ये हक दे सकते हैं कि वो कानून तोड़ें अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के मुताबिक? ये हमारा आज का सब्जेक्ट है और इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर दूं अपने तमाम उन हजरात का जो ट्विटर पे इस वक्त मेरी जो भी मेरे साथ कर रहे हैं,
लेकिन आई विश कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि यह प्रोग्राम जमात इस्लामी या पीटीआई के बारे में नहीं है, ये एक सवाल के बारे में है कि क्या किसी भी सियासी जमात को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पहले सियासी पार्टीज़ कानून लेती हैं अपने हाथ में, फिर सियासी कायदीन अपने हाथ में लेते हैं और फिर कानून की धज्जियाँ उठती हैं। ये टुकड़ों में कानून टूटता है, एक दिन में क़यामत नहीं आती। और यही हमारी आज की बहस है कि सियासी एहतजाज और सियासी गर्दी में क्या फ़र्क है। अगर हम ये फ़र्क नहीं समझेंगे तो फिर हम एक लॉ ऑफ जंगल के तहत चलेंगे। अगर खैर फिर पैदा कहाँ जाता है, फिर थर्ड फरीक को मौका मिल जाता है और वो कहते थर्ड फरीक चले, दूर की बात है मेरी। हाँ। तो बाबर आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं, अगर मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर एज ए गवर्नमेंट ये फैसला लें करने का, मैं शायद सबसे बड़ा इनका सपोर्टर हूँ कि एज ए गवर्नमेंट आप करें। क्यों घबराते हैं एज ए गवर्नमेंट ये फिर ये करने से, क्यों ये पॉलिटिकल पार्टीज दोनों अपने वर्करों के ऊपर डाल रही हैं सारा? मालिक साहब, गंडापुर साहब ने पहले कहा कि हम स्टेज बाय स्टेज जाएंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़े, और ये हमारा मैंडेट है। देखिए, इनका ये मैंडेट नहीं है, ये एक नेशनल पार्टी है और ये नेशनल इलेक्शन हार गए, इस वजह से ये गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सके सेंटर में। हमारा एक आईन है, उसके अंदर दो लिस्टें बनाई हुई हैं कि सेंटर क्या चीज़ करेगी और प्रोविंस क्या चीज़ करेगा। जो फॉरेन पॉलिसी है उसका मैंडेट फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अगर ये जो हुकूमत आज बैठी हुई है, अगर ये सही तरह से फॉरेन पॉलिसी को नहीं चला सकती, जिस तरह पिछली हुकूमत नहीं चला सकी जिस मर्जी वजह से, तो लोग इनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे अगले इलेक्शन में। लेकिन ये कहना कि पीटीआई के पास ये मैंडेट है कि वो ड्रोन्स की अपोजिशन करने के लिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड रुकवा दें या फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करें या अमेरिका के साथ हमारा क्या, एज अ सियासी तौर पे तो ये एक पोजीशन ले सकते हैं, रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं, कानून पास करवाने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर इन्हें सपोर्ट मिलती है तो ठीक है। लेकिन ज़बरदस्ती ये अपनी फॉरेन पॉलिसी इस मुल्क में इन्फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये काम करेंगे तो इनमें और बाकी तमाम अगर एज ए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ये करे जो ये अपने पार्टी वर्कर्स से दूर करा रहे हैं, तो उसमें क्या लीगल क्या देखिए अगले दिन बिल्कुल अगले दिन पिटीशन फाइल हो जाएगी। अभी देखे ना, हिपोक्रेसी नजर आ रही है ना। आप एक पोजीशन लेते हैं तो आप एक क्लियर पोजीशन ले लें कि हम ये काम करना चाहते हैं। आप ये भी कहते हैं, पहले इन्होंने स्टार्ट किया कि ये लीगल है क्योंकि ड्रोन्स के खिलाफ एक जजमेंट आई है, हम उसे एनफोर्स करने जा रहे हैं। फिर इन्हें समझ आई कि जी ड्रोन्स के खिलाफ जजमेंट की तो इंस्ट्रक्शंस फेडरल गवर्नमेंट को दी हुई हैं, आपको तो दी नहीं हुई, आप वो इन्फोर्स नहीं कर सकते, आप तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स फाइल कर सकते हैं। फिर ये बैक ऑफ कर गए। सो लीगल कॉम्प्लिकेशंस इन्हें उसमें नजर आ रही हैं, इसलिए हिपोक्रेसी हो रही है इस वक्त। फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो पोजीशन नहीं ले रही, आपने अपने वर्कर्स के ऊपर डाल दिया। आईजी साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली, जो ज्यादा सियासी लीडर की गुफ्तगू है और एक पुलिस अफसर की कम गुफ्तगू है, कि हम एक दे रहे हैं लोगों को इख्तियार के वो कुछ करते रहे, सबमिशन है ना स्टेट की। अब आप सबमिट करते जाएं, अब आप कब तक सबमिट करेंगे? हमने कराची लॉ एंड ऑर्डर केस देखा है, हमने बलोचिस्तान लॉ एंड ऑर्डर केस देखा है, जिसमें अदालत वहां पर गई और उन्होंने कहा कि लोगों के राइट्स अपहोल्ड करना हुकूमतों का काम है। तो इस वक्त हमें फेडरल गवर्नमेंट को देखने की जरूरत नहीं है, हमें केपी गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है कि आप अपने सूबे के अंदर क्या कर रहे हैं, क्योंकि यह इख्तियार आपके पास नहीं है। और देखिए मालिक साहब, दूसरी बात ये बात कहना कि जो बंदा हम सब पाकिस्तान का मुफाद चाहते हैं, किस तरह वो मुफाद हम प्रमोट कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारे मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। लेकिन जो बंदा आपके साथ इख्तलाफ करे, आप कहीं अमरीका का एजेंट है, ये इसका पिट्ठू है, जो लोग इमरान खान साहब को मैं खाली ये बात कर दूं कि जो लोग पहले ये बात कहते थे और एहतराम के साथ ये कहते थे कि इमरान खान जो है वो यहूदी लॉबी के एजेंट हैं, हम लोग भी उन्हें अपोज करते थे कि ये कोई तरीका नहीं है। आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आप किसी को एजेंट नहीं करा सकते। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर वाकई आप एंटी अमेरिकन हैं, कुछ आप करना चाहते हैं, बाकी पार्टियां आपके ख्याल में अमेरिका से मिली हुई हैं, तो बहुत आसान है। आपके वहां पे एम्बेसी है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, पेशावर में नेटवर्क है, वहां पे सेफ हाउसेज हैं, किस तरह बैठाबाद का वाक्य हुआ, लोकल नेटवर्क को इस्तेमाल किया गया, हंगू में भी ये इस्तेमाल हुआ, तो आप उनको तो एक्सप्लोर आप नहीं कर सकते। आम डाकुओं को आप नैप नहीं कर सकते, जो चोर हैं, अगवा बराता है दिन में पेशावर में, हर आप यकीन करें कि लोग अगवा होते हैं, शाम को रिलीज हो जाते हैं पैसे लेके, जिसमें डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, आम लोग भी है, ये कैपिटल ये तो कंट्रोल कर नहीं सके, जो बोरिंग काम है। इसमें कोई दो आरा नहीं है कि कोई ड्रोन्स के हक में नहीं है और कोई अमेरिका के इस राइट को तस्लीम करता कि वो ड्रोन करे। लेकिन अगर हम ये एक कल्चर बनाएंगे कि जहां पे रियासत खुद
कानून तोड़ने वालों की पजीराई करेगी तो फिर कहाँ जाएंगे आप? मालिक साहब, ये जब भी बात करो तो इनके वर्कर और ये लोग ये कहते हैं कि हम अमेरिका की वकालत कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, आप असद उमर से पूछ लेते, वो अमेरिका करने क्या गया था, क्या करने गया था, आपका दोस्त है, उनसे पूछो कि जब आपने CNN पे इंटरव्यू दे रहा था जिसको आप कहते कि आपने टास्क को कत्ल किया जब की मुला के, उधर वो कहते वो दहशतगर्द था, अच्छा था कि मारा गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके आपका जो दोस्त है वो कह रहे। मुझे आप ये बता दें कि आप लोग करने क्या चाहते हो? अभी आप वही 35 मिलियन आप जो USAID का है वो खर्च कर रहे हो, जब आपसे पूछते थे आप कहते ये पिछली गवर्नमेंट ने किया था, भाई हमने तो किया था, आप क्यों कर रहे हो? दो दिन पहले अभी 80 मिलियन यूरो का लेड हुआ, यहाँ पे लेके आए, कोई डील नहीं हुई है सर, हवा में आया। मैं सुन लेना, सुन लेना, ये जो कह रही है 26 नवंबर को फंक्शन, हम उसको बुरा 80 मिलियन यूरो, देखिए हम, लेकिन मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल पैसे खर्चे, लोगों के खिलाफ है खर्चे, कोई बुराई नहीं। मैं ये हम उसके खिलाफ नहीं है, ये जो हमें ताने देते हैं हम उसकी जवाब देते हैं, हमारे उससे कोई ताल्लुक नहीं। हम जितना शायद ये खिलाफ है ड्रोन का उतने से ज्यादा हम है, क्योंकि अमेरिका ने इस दलदल में हमें फंसाया है। आज जो हमारे ये खित्ता सारा जल रहा है ना, ये वो अफगान वार है जो एक डिक्टेटर ने लेके आया था। ये सिर्फ यही है कि अभी इमरान खान साहब ने 13 वजीरों का ऐलान किया कि 13 करप्ट है, तो 2 को तो निकाल दिया, अच्छा काम है। मुझे ये बताएं, हम इस बहस को खत्म करें कि ये विजिलेंटिज्म खत्म हो। आप मुझे ये बताएं, जिस तरह बाबर सत्तार ने कहा कि दोगलापन है, कि आप लोग एक तरफ वो स्टैंड नहीं लेना चाहते जैसा हुकूमत आपको लेना चाहिए, और बिल्कुल रियासत के तौर पे एक सूबाई हुकूमत के तौर पे आप रोक सकते हैं, कानूनी तौर पे रोकें और फिर उसकी लीगल कॉम्प्लिकेशन से डील करें, वो आप नहीं करना चाहते और उसके बाद आप कानून शिकनी कर रहे हैं। क्या मुझे एक चीज़ बता दें, अगर कानून को ये आप रिवायत डालेंगे और हमारे नौजवानों को कि आप ताकत के बल पर कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, कल को वो आपकी मर्जी खिलाफ किसी 10 और बातों पे भी कानून अपने हाथ में लेंगे। ये रविश किस तरह पॉजिटिव रविश है? ये अवाम के दिल की आवाज है, कानून तोड़ना नहीं जी। ये ड्रोन अटैक के खिलाफ जो हमने एक इतना बड़ा इशू उठाया हुआ है, और इमरान खान ने बड़ा क्लियर लिखा है कि मैंने कौम से वादा किया था और मैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए, आप लोगों ने लंदन में एहतजाज किया है, बात सुनिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या लंदन में आप सड़क ब्लॉक करके ट्रैफिक चेक कर सकते हैं? न्यूयॉर्क के अंदर आपके लोग यार पंजाब में तो करें, अमरीका और लंदन में भी कागजात चेक करवा लेंगे उनके लोग, मुझे पंजाब में। बात बहस पीटीआई या जमात की नहीं है, आप भले बहुत से मेरे दोस्त नाराज भी होंगे आज के प्रोग्राम में, मेरा सवाल सिर्फ इतना था, रियासत का काम है कानून को अपहोल्ड करना, रियासत का काम है हर शहरी के हक को हिफाजत देना, लेकिन हमने आज IG साहब की बात भी सुनी, हमने पॉलिटिकल लीडरशिप की बात भी सुनी, वहाँ नज़र ये आता है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक ही कानून है और वो है कि सियासी पार्टीज क्या चाहती हैं जो इकतदार में है। अगर इस तरह चलेगा तो फिर सिर्फ जंगल का कानून रह जाएगा, फिर पाकिस्तान का। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए।